हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम क्लास 12 केमिस्ट्री में यूनिट 10 स्टार्ट कर चुके थे। दोस्तों, इसमें हमने पहले वीडियो में दोस्तों संकुल यौगिक क्या है ना, द्विक लवण क्या है, संकुल यौगिक द्विक लवण में अंतर क्या होता है ना, योगात्मक यौगिक आण्विक यौगिक ये क्या होते हैं, इन सब चीजों को दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया था। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसको देख लो। दोस्तों, आज मैं आपको संकुल यौगिक के बारे में बताऊंगा कि संकुल यौगिक क्या होता है, संकुल यौगिक में क्या क्या होता है। मोस्टली हम कहें तो ये डिफिकल्ट टॉपिक है आपके लिए, यदि आप समझ नहीं सकते इसको, समझ नहीं पा रहे हो तो, है ना। जो संकुल यौगिक है या फिर उपचय संयोजक यौगिक है, ये डिफिकल्ट टॉपिक है ना। यदि दोस्तों आप समझ लेते हो तो बहुत इजी टॉपिक आपको ये लगने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो संकुल यौगिक या उपचय संयोजक यौगिक होता है, इसकी हम पहचान करेंगे कि इसमें होता क्या क्या है आखिर। इसके बाद इससे संबंधित छोटी छोटी परिभाषाएं, जैसे संकुल आयन क्या होता है ना, इसके बाद लिगेंड क्या होता है, लिगेंड कौन कौन से होते हैं, ये सब चीजों को हम बताएंगे आपको आज की वीडियो में, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले संकुल यौगिक या उपचय संयोजक यौगिक, हमने पढ़ लिया था कि जो संकुल यौगिक या उपचय संयोजक यौगिक होता है, एक ऐसा यौगिक होता है जो ठोस अवस्था में और विलयन की अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में स्थायी होता है, उसका आयनन नहीं होता। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल में एक बताया था, एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताते हैं, पत्थर। पत्थर दोस्तों ठोस अवस्था में तो स्थायी होता ही है, साथ में यदि इसको हम जल में डाल देते हैं तब भी ये स्थायी अवस्था में होता है, तब भी इसका वियोजन नहीं होता। तो जो दोस्तों पत्थर होता है ना, या जो रेत के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो ये पत्थर या रेत के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो संकुल यौगिक या उपचय संयोजक यौगिक कहलाते हैं। अब यदि संकुल यौगिक आ गया, उसका हमें नामकरण करना है, उसकी पहचान करनी है, तो पहले हमें समझना पड़ेगा उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों, संकुल यौगिक कुछ इस प्रकार का दिखता है। उपचय संयोजक यौगिक जो होता है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर जो परमाणु होता है उस परमाणु को हम बोलते हैं धनायन परमाणु। कौन सा परमाणु? धनायन परमाणु, धनायन, धनायन परमाणु, ये होता है हमारा धनायन परमाणु, इसको आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अभी मैंने आपको K2 लिख दिया है, कल कोई दूसरा यौगिक हो सकता है, सॉरी, कल कोई दूसरा परमाणु हो सकता है, तो यहाँ पर जो परमाणु होगा उस परमाणु को हम धनायन परमाणु बोलेंगे। अब वो परमाणु कोई भी हो सकता है, K हो सकता है, Na हो सकता है, Al हो सकता है, Fe हो सकता है, ये कोई सा भी यहाँ पर परमाणु हो सकता है। बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो परमाणु होगा उसे धनायन परमाणु कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? ओके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो परमाणु दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो परमाणु होता है वो आपका ऋणायन परमाणु कहलाता है, ऋणायन परमाणु कहलाता है, ठीक है। आप बस इतना याद रखिए कि यहाँ पर जो परमाणु होगा वो ऋणायन परमाणु होगा, यहाँ पर होगा वो धनायन परमाणु होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपसे आगे बात की जाए कि यहाँ पर जो भी परमाणु होता है, जो आपको एरो दिख रहा है, इस एरो के नीचे जो भी परमाणु होता है दोस्तों, वो परमाणु हमारा कहलाता है केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, बस इतना याद रखना है। ये क्या होता है हमारा? केंद्रीय धातु परमाणु, यहाँ पर जो परमाणु होगा वह केंद्रीय धातु परमाणु कहलाएगा, इतना आप याद रखेंगे। इसके बाद ये जो दोस्तों परमाणु है वो चेंज हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको ये कोई एक यहाँ पर ये कोई अणु दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको NH3 लिखा है, यहाँ पर दोस्तों जो अणु होता है उस अणु का जो नाम होता है उस अणु का वो नाम कहलाता है लिगेंड। तो यहाँ पर हम कहें कि जो भी परमाणु होता है वो परमाणु आपका लिगेंड कहलाता है, क्या कहलाता है? लिगेंड। आज अभी NH3 है, इसके अलावा कोई ये जो परमाणु है वो भी चेंज होता रहता है ना। तो ये जो परमाणु होता है वो क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है, इतना आप याद रखिएगा।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक संख्या दिख रही होगी, जैसे इसमें ये संख्या कितनी है, 6। तो यहाँ पर दोस्तों जो संख्या होती है वो संख्या कहलाती है समन्वय संख्या, समन्वय संख्या। यह दिख रहा है भाई, ये मार्कर से दिख रहा है, अच्छा क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है उस संख्या को हम बोलते हैं समन्वय संख्या, ये हमारी समन्वय संख्या होती है, इतना क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आगे मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां से दोस्तों जो आपको मैं देख रहा हूं कि जो 6 से लेकर यहाँ सीओ तक है ना, 6 से लेकर यहाँ सीओ तक इतना जो पार्ट है, देखो इस पार्ट में क्या क्या होता है वो चीज तो मैंने बता दी है। ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ये लिगेंड होता है, ये समन्वय संख्या होती है। अब मैं दोस्तों ये बता रहा हूँ कि इधर इस 6 संख्या से इधर सीओ तक, मतलब इतना जो पार्ट होता है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इतना जो पार्ट होता है ये जो पार्ट कहलाता है हमारा संकुल आयन। क्या कहलाता है? संकुल आयन, ये हमारा पार्ट कहलाता है संकुल आयन, इतना क्लियर है, ये संकुल आयन है। अब दोस्तों जो संकुल आयन है वो संकुल आयन हमारा धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत है, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है, क्लियर है कहानी। अब धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, दोस्तों आपको मैं बताता हूं। दोस्तों क्या होगा, यदि यहां पर कोई परमाणु है, मतलब यदि हमारा जो संकुल आयन है धनात्मक से वियोजन हो रहा है, मतलब यहां से इसका वियोजन हो रहा है, यहां से ये टूट रहा है ना, तो ये जो संकुल आयन होगा, देखो ये क्या होता है, धनायन। अब धनायन से टूटेगा तो ये धनायन होगा, तो ये अपने आप में कैसा हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऋणायन, है ना। यदि धनात्मक से टूटा तो ये संकुल आयन ऋणात्मक होगा, और यदि ये जो संकुल आयन है यहां से टूटा, मतलब ऋणायन से टूटा, देखो अब ऋणायन से टूटा तो ये तो ऋणायन है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, धनात्मक, है ना। तो यदि धनायन से टूटा तो ये ऋणायन होगा, और यदि ये ऋणायन से टूटा तो ये धनायन होगा, क्लियर है कहानी। इधर से टूटेगा तो ये ऋणायन, और इधर से टूटेगा तो ये धनायन, है ना, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब एक चीज और बता दे रहा हूं दोस्तों, जो संकुल आयन होता है, इस संकुल आयन में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ये केंद्रीय धातु परमाणु इस लिगेंड के द्वारा उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, मतलब ये केंद्रीय धातु परमाणु और ये लिगेंड, इन दोनों के मध्य जो बंध होता है, जिस बंध के द्वारा ये जुड़े होते हैं उस बंध को हम बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं? उप सहसंयोजक बंध। एनी प्रॉब्लम दोस्तों? मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां से मैंने सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर जड़ से खत्म करने की कोशिश की है ना। इसके बाद दोस्तों ये जो संकुल आयन क्या होता है, ये चीज हमने समझ ली है, इसकी हमने पहचान समझ ली है कि ये कैसे बनता है, इसमें क्या क्या होता है। देखो अब देखो इसमें क्या क्या होता है, ये चीज हमने समझ ली है, अब ये कैसे बनेगा, इसका निर्माण, ये कठिन सा ये यौगिक दिख रहा है, इसका निर्माण, इसका नाम कैसे बोलती हैं, ये सब चीजें हमें आपको बतानी है, तो ये कैसे करेगा, तो उसके लिए पहले हम छोटी छोटी चीजों को समझें, इसके बाद हम इस पे बढ़ेंगे, है ना। तो अब हम दोस्तों आपको बताते हैं पहले इससे संबंधित छोटी छोटी परिभाषाएं, और फिर हम इसके नाम पे पहुंचेंगे कि ये बना कैसे, समझ में। बस दोस्तों मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा, हर चीज आपको मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक है। चलो अब सुनो इधर, अब मैं दोस्तों जो संकुल आयन होता है, इस संकुल आयन की परिभाषा है ना, तो हमारी जो हेडिंग है वो यही मान लेते हैं कि हेडिंग क्या है हमारी, संकुल आयन, ठीक है, संकुल आयन। अब ये संकुल आयन क्या होता है उस चीज को समझो, है ना। अब देखो आपको पता है दोस्तों ये क्या है, पूरा संकुल है ना, ये पूरा क्या है, संकुल है। इस संकुल का जब वियोजन होगा, इस संकुल का क्या होगा, वियोजन, यदि ये संकुल यहां से टूटेगा तो देखो ये धनायन है, ये क्या है, धनायन, तो यदि ये संकुल यहां से टूटेगा तो ये बनेगा जो संकुल आयन है, इतना जो इतना भाग संकुल आयन है, ये जो संकुल आयन है वो ऋणात्मक में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये धनात्मक है, अब ये धनात्मक है और तो एक तो इसको तो ऋणात्मक होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब यौगिक बनता है तो एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है ना, तो यहां से टूटेगा तो ये जो संकुल आयन है वो ऋणात्मक बनेगा,
और यदि ये पूरा संकुल यहां से टूटेगा है ना, तो ये ऋणायन है। अब ये ऋणायन है तो ये संकुल आयन कैसा बनेगा, धनात्मक बनेगा। समझ में आपको आ रहा है? ठीक है ना, तो मैं इसकी परिभाषा बोल रहा हूं, आप सुनिएगा है ना। ये पूरा संकुल है ना, तो सुनो आप, संकुल के वियोजन से, मतलब इसके वियोजन से, संकुल के वियोजन से बना धनात्मक या ऋणात्मक है ना। देखो इसका वियोजन यहां से होगा तो ये ऋणात्मक बनेगा, यहां से होगा तो ये धनात्मक बनेगा। ये तो चीज क्लियर है। तो संकुल के वियोजन से बना, संकुल के वियोजन से बना धनात्मक, कौन सा, धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक आयन, धनात्मक या ऋणात्मक आयन, ठीक है, संकुल आयन कहलाता है। मतलब ये पूरा जो दिख रहा है इसके वियोजन से बना या तो धनात्मक होगा, यदि यहां से होगा तो ये ऋणात्मक, और यहां से होगा तो धनात्मक, या तो धनात्मक होगा या फिर कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो जो धनात्मक या ऋणात्मक आयन बनेगा वही हमारा कहलाएगा संकुल आयन। अब संकुल आयन तो कहलाएगा, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, वो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, वो केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड द्वारा उपसंयोजक बंध द्वारा बंधा होता है। क्लियर है कहानी? ये केंद्रीय धातु परमाणु है और ये क्या है, लिगेंड। तो इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो लिगेंड द्वारा उपसंयोजक बंध द्वारा बंधा होता है। तो ये जो चीज आपको दिख रही है दोस्तों, वो संकुल आयन है। एक बार मैं फिर से इसकी परिभाषा बोल रहा हूँ, क्या है इसकी परिभाषा, क्या है, संकुल के वियोजन, पूरा संकुल है, संकुल के वियोजन से बना धनात्मक या ऋणात्मक आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड द्वारा उपसंयोजक बंध द्वारा बंधा होता है, संकुल आयन कहलाता है। क्लियर है? संकुल आयन कहलाता है। अब ये संकुल आयन है दोस्तों, वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। क्लियर है? तो ये तो दोस्तों इसकी परिभाषा हो गई। अब मैं इसके एग्जाम्पल आपको बताता हूं, संकुल आयन के मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं है ना। ठीक है, तो आप सुनिए, मैं इसका एग्जाम्पल आपको समझाता हूं दोस्तों। ये जैसे मान के चलो दोस्तों, ये कोई संकुल है, ये कोई आपको एक संकुल दिख रहा है। अब इस संकुल में दोस्तों यहां पर धनायन नहीं है, केवल यहां पर क्या है, ऋणायन है। अब यहां पर धनायन नहीं है, यहां पर केवल ऋणायन है, तो ये जो संकुल है वो यहां से टूटेगा, यहां से ब्रेक होगा। जब यहां से टूटेगा तो दोस्तों आपको तो पता है जो सीएल होता है, इस सीएल पर केवल 1 माइनस चार्ज होता है, केवल कौन सा चार्ज होता है, 1 माइनस चार्ज होता है ना। अब और दोस्तों आपको एक चीज ये भी पता होती है, जैसे मान के चलो यहाँ पर ये कोई यौगिक है MgCl2, MgCl2, तो यहाँ पर जो आपको 2 दिख रहा है वो Cl2 दिख रहा है, वो Cl का नहीं है, वो जो 2 है वो किसका होगा, Mg का होगा है ना। तभी तो यहाँ पर आया है, क्योंकि दोस्तों जब यौगिक बनता है तो Mg पर 2+ और Cl पर क्या होता है, 1- है ना। जब यौगिक बनता है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, होता है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ का यहाँ आ जाता है और यहाँ का यहाँ आ जाता है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब Cl पे 1- है, यहाँ पर 2 आया है, मतलब जो Mg है उस पे 2 था, इसलिए वो 2 यहाँ पर आया है ना। तो जब इनका हम यौगिक बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, MgCl2, मतलब ये जो 2 आया है वो Cl का नहीं है, वो किसका है, Mg का है ना। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज तो अब भी बता के रखी है, ये ऋणायन होता है, ये चीज है वो ऋणायन होती है। जब ये यौगिक यहां से ब्रेक होगा तो देखो ये तो ऋणायन है, तो ये कौन सा होगा, धनायन होगा, कौन सा होगा, धनायन होगा। इसमें जो 3 दिख रहा है दोस्तों, वो 3 इसका नहीं है, वो 3 किसका है, इस पूरे का है। इस पर 3+ हुआ होगा तब, इस पर 3+ हुआ होगा तब ये Cl3 यहाँ पर बना है ना। तो दोस्तों ये जो यौगिक होगा यहां से ब्रेक होगा तो ये तो ऋणायन है, तो ये क्या होगा, धनायन। जब ये ब्रेक होगा दोस्तों तो क्या बन जाएगा, CONH3 का Hall 6, और इस पर ये 3 इसका नहीं है, वो किसका है, इसका, तो इस पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इस पर 3+, क्या आ जाएगा, 3+, दिख रहा है 3+ अच्छे से, ठीक है, ये आ जाएगा 3+, और Cl पे तो आपको पता ही है क्या होता है, 1-। ठीक है, तो दोस्तों ये संकुल था, इसका वियोजन हुआ तो ये वाला आयन बना है,
तो ये जो आयन बना है दोस्तों, ये हमारा कौन सा आयन है? संकुल आयन है। कौन सा आयन है? संकुल आयन है। अब ये कौन सा संकुल आयन है? धनायन है। देखो धनायन बना है तो मतलब ये धनायन संकुल आयन है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लो, ये दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा, इसमें आप देख रहे हो ये योग के है, मतलब ये संकुल है। ये जो संकुल है वो यहाँ से ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है नहीं है, तो यहाँ से तो टूटेगा नहीं। अब यहाँ पर है तो ये यहाँ से टूटेगा, तो ये धनायन होता है। अब ये धनायन है तो ये जो संकुल आयन बनेगा वो कैसा होगा? ऋणायन होगा। और दोस्तों आपको जो चार दिख रहे हैं वो चार इसके नहीं है, वो चार किसके हैं? इसके हैं, तभी आपको दिख रहे हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो एक दूसरे के देखते हैं। यदि यहाँ पर कुछ चीज होती तो वो किसकी होती? पोटेशियम की। और यहाँ पर कुछ है तो मतलब वो इसकी है पूरी, ठीक है। तो दोस्तों जब ये ब्रेक होगा तो आपको पता ही है पोटेशियम पे क्या होता है? के प्लस होता है, ठीक है। अब एफ ई है ना, सी एन का होल 6, ये पूरा अलग से टूटता है। अब इस पे कितना चार्ज है तो वो नहीं पता, तो दोस्तों ये चार है वो इसका नहीं है, वो किसका है? इसी का था, तभी आपको उधर दिखा है। तो देखो इसका 1+, इसका 4+, जब सूत्र बनेगा तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, ठीक है। तो इस पर 4- है, तो दोस्तों ये जो बना है वो संकुल आयन है। और ये कौन सा संकुल आयन होगा? ऋणायन संकुल आयन होगा, है ना। कौन सा होगा? ऋणायन, क्योंकि ये ऋणात्मक बना है और ये धनात्मक। तो आई होप दोस्तों कि ये चीज आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, संकुल आयन। तो दोस्तों पहले आप परिभाषा लिख लेना, फिर इसके मैंने आपको दो एग्जाम्पल बता दिए, वो अपनी कॉपी में राइट कर लेना। इसके बाद दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ लिगेंड। दोस्तों लिगेंड को हम संलग्नी भी बोलते हैं, तो ये लिगेंड या संलग्नी क्या चीज होती है उसको समझ लो। पहले तो दोस्तों ये संकुल यौगिक देखो, इस संकुल यौगिक में आपको पता है लिगेंड ये है ना। और ये जो लिगेंड है वो लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा है, बोलो जुड़ा है। और केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा है और किस बंध द्वारा जुड़ा है? तो मैंने आपको बताया था कि जो लिगेंड होता है केंद्रीय धातु परमाणु से उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। कोई कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा आप इधर से ही निकालो ना, खुद आप निकाल सकते हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऐसे अणु, देखो अणु है, अणु है, बोलो है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु से, ऐसे अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु से उप सहसंयोजक बंध है, उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, लिगेंड या संलग्नी कहलाते हैं। क्लियर है कहानी? ऐसे परमाणु, सॉरी, ऐसे अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा, केंद्रीय धातु परमाणु से उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, लिगेंड या संलग्नी कहलाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज आपको पता है कि जो उपसहसंयोजक बंध होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म के दान करने से बनता है। इलेक्ट्रॉन युग्म के दान करने से उपसहसंयोजक बंध बनता है, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म की प्रवृत्ति के आधार पर, किसके? इलेक्ट्रॉन युग्म की प्रवृत्ति के आधार पर, जो लिगेंड होते हैं दोस्तों, लिगेंड, लिगेंड होते हैं वो एक दंतुर है ना, दुई दंतुर हो गया। इसके बाद दोस्तों चतुष्क दंतुर, दंतुर है ना। इसके बाद दोस्तों देखो, एक एक दंतुर होगा, दुई दंतुर होगा, त्रिदंतुर भी हो जाएगा, त्रिदंतुर, चतुष्क दंतुर है ना। इसके बाद दोस्तों पंच दंतुर है ना, पंच दंतुर है ना। इसके बाद दोस्तों षष्ठ दंतुर, षष्ठ दंतुर हो सकते हैं, है ना। अब दोस्तों एक दंतुर कब होगा, द्वि दंतुर क्या होगा, चतुष दंतुर कब होगा, त्रि दंतुर क्या होगा, पंच षष्ठ कब होंगे? दोस्तों यदि ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेंगे तो ये एक दंतुर कहलाएंगे, दो का करेंगे तो ये द्वि दंतुर कहलाएंगे,
तीन का करेंगे तो ये त्रिदंतुर कहलाएंगे, चार का करेंगे तो ये चतुर्थदंतुर, पांच का करेंगे तो पंचदंतुर, और छह का करेंगे तो ये षष्ठ दंतुर कहलाएंगे। तो दोस्तों ये चीज भी आप अपनी कॉपी में एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना, कि इलेक्ट्रॉन युग्म के दान करने, या फिर हम ऐसा कहें इलेक्ट्रॉन युग्म की प्रवृत्ति के आधार पर जो लिगेंड है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, एक दंतुर, दुई दंतुर, चतुर्थ दंतुर, पंच दंतुर, षष्ठ दंतुर, है ना। तो ऐसा लिख लेना, इलेक्ट्रॉन युग्म की प्रवृत्ति के आधार पर यह निम्न प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, इनके नाम लिख लेना। क्लियर है कहानी। अब इसका मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, है ना दोस्तों। यहां पर जैसे आपको लिखा है K4 Fe CN का होल सिक्स, ठीक है। अब इसमें लिगेंड क्या है, तो लिगेंड इसमें कौन सा होगा दोस्तों, ये होगा, है ना, तो आप लिगेंड लिख देना, है ना, लिगेंड। आप ऐसे ही कोई दूसरा एग्जाम्पल लिख लेना, है ना, जैसे K2 हो गया, CO हो गया, NH3 का होल सिक्स, इसमें लिगेंड कौन सा है, तो इसमें ये वाला लिगेंड है ना, तो ये इसमें एग्जाम्पल लिख देना। तो आई होप दोस्तों कि आप चीजें ये समझ गए होंगे, ये लिगेंड या संलग्नी की परिभाषा हुई, ये लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, किसके आधार पर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन युग्म देने के आधार पर, इलेक्ट्रॉन युग्म देने के आधार पर ये इतने टाइप के होते हैं, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो अगली वीडियो में दोस्तों में जितने लिगेंड होते हैं, जितने लिगेंड आपको पढ़ने हैं, उन लिगेंडों के नाम, है ना, उन पर कितना चार्ज होता है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे, है ना, अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।